ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तो लखनऊ के नदवा कॉलेज की तस्वीरें, छात्रों का प्रदर्शन, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में छात्र यहां पर, पुलिस प्रशासन स्थिति को काबू करने की कोशिश में। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे डीजीपी की बात, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हालात सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो यूपी के लखनऊ नदवा कॉलेज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हावी होते हुए ये छात्र यहाँ पर नजर आ रहे, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। तो जामिया और एएमयू में लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने कॉलेज के गेट पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की है, बड़ी संख्या में छात्र यहां पर इकट्ठा हुए हैं, तो भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर पहुंच चुका है। छात्रों के तुरंत गेट के अंदर कर दिया गया कि ताकि स्थिति जो है वो काबू में रह सके, माहौल बिगड़ ना पाए। तो अब दिल्ली के जामिया के बाद लखनऊ के नदवा कॉलेज में स्थिति बेहद तनावपूर्ण, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र, वही पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, और इन सभी छात्रों को जो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे थे उन्हें कॉलेज के गेट के अंदर कर दिया गया, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि यूपी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि स्थिति काबू में है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, और जिसके चलते कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई है, इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन ये फिलहाल लखनऊ के नदवा कॉलेज की तस्वीर, छात्रों को अंदर करते हुए ये पुलिस बल, लेकिन किस तरह से छात्र एक बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद, तो ये देखिए पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है छात्रों की तरफ से पुलिस पर, तो बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए। ये देखिए किस तरह से पत्थरबाजी, इसलिए उसे तस्वीरें R9 टीवी के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, तो स्थिति बेहद हिंसक होती हुई यहाँ पर, तो पुलिस बल मौके पर मौजूद, लेकिन यहाँ पर पत्थरबाजी छात्रों की तरफ से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के नदवा कॉलेज की ये तस्वीरें है, तो अब जामिया के बाद लखनऊ के नदवा कॉलेज के बाहर किस तरह की हिंसक स्थिति हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, R9 टीवी के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों के बीच। तो छात्रों को जो यहां पर मिल रहा है, जो भी हाथ में आ रहा है वही पुलिस प्रशासन के ऊपर फेंकते हुए, लेकिन स्थिति को काबू करते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर, लेकिन स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि लगातार यहां पर स्थिति काबू में रहे इसके लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। और ये तस्वीरें देखिए कि पत्थर नहीं, पूरी की पूरी ईंट यहां पर उठाकर पुलिस प्रशासन पर फेंकी जा रही है, तो बेहद तनावपूर्ण माहौल यहां पर। तो लखनऊ के नदवा कॉलेज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तो किस तरह की स्थिति वहां पर, पत्थरबाजी नहीं बल्कि ईंटों से हमला यहां पर सुरक्षा बलों पर किया गया है। हालांकि सामान्य स्थिति की बात यहां पर कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें लखनऊ के नदवा कॉलेज से सामने आ रही हैं, उससे हिसाब जाहिर है कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए, क्योंकि प्रशासन के ऊपर ईंटों से हमला करते हुए छात्र यहां पर नजर आए हैं। तो लगातार जिस तरह से जामिया और एएमयू में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, उसको लेकर यह नाराजगी इन छात्रों में बनी हुई है, और अब आग यूपी के लखनऊ के नदवा कॉलेज तक पहुंच गई है। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई किस तरह से जो छात्र है वो नाराज है, नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि पूरी की पूरी ईंट उठाकर हमला यहां पर किया गया है। तो देश भर में ना चाहिए अल्पसंख्यक समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को, कैब इस देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तो जब इस देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है तो उसमें प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, और अगर प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो वो एक शांतपूर्ण ढंग से होना चाहिए, ना कि हिंसक तरीके से। इसलिए इसके पीछे जो लोग भी हैं उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए, और किसी तरह का हिंसा के सहारा नहीं लेना चाहिए प्रोटेस्ट में। कैब इस देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इस देश के रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इसलिए मुसलमानों को इस कैब जो कानून आया है उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है
लगता है कि क्यों विरोध हो रहा है इसका, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कुछ शक्तियां हैं जो जिनको मौका चाहिए था किसी न किसी तरह से इस देश को में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए, और कुछ लोग लगे हुए हैं जो इस माहौल को बिगाड़ा जाए, और वो मुसलमानों को लगातार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरा उनसे भी कहना है कि इस तरह के मामलों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में वादा किया है कि इस देश का रहने वाला मुसलमान भारतीय मुसलमान है, यहीं रहता यहीं रहेगा, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो उसके बाद भी अब कोई वजह नहीं बनती है कि इसमें प्रोटेस्ट किया जाए। भारत का मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भारत के मुसलमान हैं वो यहीं रहेंगे, उनको कोई नहीं निकाल सकता, वो शरारती नहीं है, वो घुसपैठिए नहीं है। तो आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनसे कुछ अपील करेंगे? नहीं, मेरी फोर्स भी लगी हुई है कई जगहों पे, सख्ती से लगातार मेरी अपील है ऐसे लोगों से और खासकर छात्रों से, चाहे वो एमयू के हों चाहे वो जामिया के हों। मेरी कल रात उनसे बात भी होती रही, वहाँ के प्रॉक्टर से भी मेरी बात हुई, रात में वहाँ के टीचर से भी मेरी बात हुई, मैं लखनऊ में था एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो लगातार मैं बात कर रहा था। मेरा मैंने उनको समझाया कि भाई इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए। उसमें मुझे जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व भी जो वहाँ थे वो घुस आए, खासकर जामिया की मैं बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने पत्थरबाजी की और उसकी वजह से हालात बिगड़े। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूँ कि जो पुलिस बल है उसको। और इसी बीच हमारे साथ हरिंद्र चौधरी रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं। हरिंद्र जी, जिस तरह की स्थिति अब पूरे हिंसक रूप ले चुकी है, इसकी आग लखनऊ के नदवा कॉलेज तक पहुंच गई है। हरिंद्र चौधरी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन की आग, तो राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन की अब आग लखनऊ के नदवा कॉलेज तक पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि किस तरह की स्थिति है, फिलहाल वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोबारा से, किस तरह से स्थिति को काबू करते हुए पुलिस बल, लेकिन यहां पर मौजूद छात्रों ने ईंटों से यहां पर हमला किया पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण दावा यहां पर किया जा रहा था, लेकिन चुनौतीपूर्ण। तो आप ये देख सकते हैं, ना सिर्फ ईंटों से जो हाथ में छात्रों की लग रहा था वही हमला यहां पर किया जा रहा था पुलिस प्रशासन के ऊपर, चाहे वो चप्पल हो, पत्थर हो, ईंट हो। तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और कहीं ना कहीं हिंसक जो आग है वो अब यूपी के कॉलेजों तक भी पहुंचने लग गई है। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि बिल लाकर कहीं ना कहीं माहौल खराब किया गया है। तो नदवा कॉलेज मामले में लखनऊ के एसएसपी ने बयान दिया है, तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो एसएसपी की तरफ से बयान दिया गया कि सिर्फ 30 सेकंड के लिए पथराव हुआ था। कलानिधि नेथानी ने यह बात कही, तो लगभग 150 लोग विरोध करने आए थे, हालात अब सामान्य, तो कुछ मिनटों के लिए ही यह पत्थरबाजी हुई थी नदवा कॉलेज में। जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर ईंटों से हमला किया गया, वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए पथराव हुआ था और अब स्थिति सामान्य, ये एसएसपी का कहना। तो लगभग 150 लोग विरोध करने आए थे, तो हालात अब सामान्य, एसएसपी कलानिधि नेथानी का ये कहना है। तो नदवा कॉलेज के मामले में लखनऊ के एसएसपी ने ये बयान दिया है कि जो स्थिति है वो सामान्य है और जो पथराव यहां पर हुआ था वो 30 सेकंड, लेकिन ये पथराव नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ईंटों से यहां पर हमला हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यहां ये खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई ये छात्र है जो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, इस तरह से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, या इन छात्रों की आड़ में कोशिश हो रही है देश के माहौल को खराब करने की।